भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतः श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारि वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपाश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये हरे कृष्ण। तो 64 भक्ति अंग का पढ़ाई चल रही है, अध्याय 10। आज पढ़ेंगे 43 भक्ति अंग है श्रवण। हरे कृष्ण। अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण कृष्ण भावनावृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सकें। कृष्ण भावनावृत की प्रगति के लिए यह सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चेतन महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनावृत को समझने के योग्य बन जाता है। तो नवधा भक्ति में सबसे पहला क्या है? तो क्या श्रवण करना? नाम और नाम और लीला गुण रूप के बारे में श्रवण करना है। तो रूप को तो दर्शन करना है ना, रूप के बारे में श्रवण करना है। हाँ वही रूप के बारे में श्रवण करना है, इसलिए इस भक्ति का अंग है श्रवणम। जिसमें देखिए श्रवणम नाम चरित गुणादिनाम श्रुतिर भवे। हियरिंग मीन्स लिसनिंग टू द नेम पास्ट टाइम्स क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। एक भक्त दिख नहीं रहे, वो क्या नाम पूछ रहे, वो पगड़ी बांध के आते हैं। हाँ घर गए हैं सर। अच्छा ओ। तो पहले देखते हैं, देखिए श्रवण में क्या क्या आता है? नाम नेम पास्ट टाइम्स और क्या है, नाम लीला गुण रूप इत्यादि सब आते हैं आदि नाम। तो पहले सुनते हैं नाम श्रवण के बारे में। रूपू सही बात कहते हैं क्या? संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टे कभेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि नाम चरित्र व गुणादि करण का करण इंद्रिय स्पर्श को श्रवण कहते हैं। तो ये संसार रूप सर्प के द्वारा, ये संसार जो है
एक ब्याल, ब्याल का अर्थ है सर्प, वो भी अजगर सर्प जैसे जो निगल देता है सबको, धीरे धीरे निगल देता है। तो यहाँ भी सभी प्राणियों को निगल रहे हैं, संसार रूप सर्प द्वारा संदष्ट अतएव संज्ञाहीन व्यक्ति, या यहाँ जो सर्प कहा गया है वो डस देता है, जब सर्प दंशन करता है तो व्यक्ति संज्ञाहीन मतलब मूर्छित प्राय, मृत प्राय हो जाता है। तो हम सब ऐसे ही संसार रूपक सर्प द्वारा दंशित हुए हैं, इसीलिए हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और विषय भोग में लगे हुए हैं। तो ऐसे रोग में हरणकारी औषध स्वरूप कृष्ण नाम है। जब कृष्ण नाम का श्रवण करते हैं, कैसे श्रवण करेंगे कृष्ण का नाम? हाँ, एक तो खुद स्वयं जो नाम मंत्र जप करते हैं तो सुनते हैं ना, स्वयं जब नाम जप करते हैं उपांशु कहते हैं ना, तो उस समय हम सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं नाम को? कीर्तन जब होता है मंदिर में देखते हैं ना, कितना सुंदर जोरदार कीर्तन चलता रहता है, तो वो भी नाम महामंत्र सुनते हैं हम। तो सुनने से क्या होगा कि जैसे मानो किसी को सांप डस दिया हो और मंत्र से उस विष को प्रतिहत करते हैं, विष को कम कर देते हैं, उसी प्रकार से जब कृष्ण नाम रूपक ध्वनि हम सुनते हैं तो उससे फिर वो मुक्त हो जाता है, वो विष संसार रूपक विष कम हो जाता है, इसलिए नाम श्रवण का इतना महत्वपूर्ण है। जब किसी मनुष्य को सर्प काटता है, देखिए ग्रंथ देखिए, तो तुरंत नहीं मरता अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इसी भौतिक जगत में जो आया है वो भी सोता रहता है, सोते हैं ना, सोते हैं कि नहीं, कहाँ सोते हैं, क्लास में भी सोते ये लिखा है, देखिए देख रहे हैं विवेक प्रूफ ग्रंथ देखिए, इस भौतिक जगत में जो आया है वो भी सोता रहता है, जैसे वो अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ है। अतः भौतिकवादी का जीवन का अर्थ है उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है, वो कृष्ण भावनामृत में मृत प्राय। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारणकर्ता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को कौन से मंत्र देना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसलिए यथासंभव नाम सबको सुनाना चाहिए। यहाँ भी संकीर्तन होता है ना, तो मंदिर के सामने भी कितना सुंदर कीर्तन होता है, जो भी पब्लिक आते हैं वो खूब डांस करते हैं, नाम सुनते हैं। तो नाम सबको श्रवण कराना है। श्रवण में एक नाम श्रवण है, दूसरा है चरित्र श्रवण। क्या है? तश्चरित्र श्रवण। यत्र भगवता भागवता राजन साधवो विशदाशयः भगवत गुणानुक कथन श्रवण व्यग्र चेतस। ये श्लोक है 4:29-40। इसमें ये शायद रुद्रगीत के प्रसंग में आया है। रुद्रगीत जानते हैं भागवतों में? गोपी गीत तो सब सुने, बस रुद्रगीत कहाँ सुने? भगवान शिव किनको बोले? बोलिए प्रचेता, कौन बोला? अरे वो सब होली बोल बोलिए। नहीं नहीं, वो जानकारी नहीं सही है, पर यहाँ भागवतम क्लास हो जाएगा ना फिर। तो ये आप पढ़ेंगे, इसलिए आप सबको कहता हूँ कि आप सबको एक होमवर्क देते हैं, वो ये है आने वाले कार्तिक मास में
आप सब लोग संकल्प लीजिए। देखो संकल्प क्या है कि परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के संपूर्ण भागवतम का जो 45 लेक्चर है उसको पूरा सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रचेता कौन है। इसको 15 साल होने के बाद अगर प्रचेता कौन है अगर ये पूछेंगे या रुद्रगीत कहाँ है तो संकोच लगता है। इसलिए कम से कम पढ़े तो नहीं तो सुन तो लें। कितने लोग करेंगे हाथ उठाओ? सभी लोग इस सीरीज को पूरा सुने, हिंदी में है वो संपूर्ण भागवतम, तो कम से कम एक संकल्प लेके इसको पूरा कार्तिक में कंप्लीट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि रुद्रगीत कहाँ है, प्रचेता कौन है और भगवान शिव कब बोले थे। इस संपूर्ण भागवतम का एक बार रैंडम हियरिंग हो जाने से उसके बाद जब आप भक्ति शास्त्र के बाद पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, पूज्य गौर कृष्ण महाराज वो है इस्कॉन डिजायटरी में, बहुत सुंदर बोले, आपके गुरु महाराज रोज सुनते हैं, वो खुद कहते हैं वो प्रसाद लेते समय। तो सचिनंदन बहु ठीक है सुनेंगे ना, ये जो है ना राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र हैं, इनका नाम है प्रचेता, सबके नाम एक है, दिखने के दिखने में भी एक है, एक जैसा दिखते हैं और नाम भी सबका एक है, और दसों के एक स्त्री है, एक ही पत्नी है, और उनको भगवान शिव ने एक स्तुति सुनाई थी जिसका नाम है रुद्रगीत। इसका एक श्लोक है, जरा प्रयास कीजिए तो मेरे पीछे बोलने के लिए। श्लोक देखिए स्क्रीन पे देखिए, तस्मिन् महान् मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष सरिता परिता श्रवंती ताये पिबन्त वितृषो नृपगाढ़ करने तान्न स्पृशन्त्य सनत्रुड भयशोक मोहा। कौन बोल सकते हैं? चलो ठीक है सुनिए, उसका अनुवाद सुनिए। जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, जिस स्थान पर, इसमें ही पढ़ लेते हैं, हे राजन मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्य गण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हैं। ग्रंथ देखिए, उससे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से, क्या बात है, जो कथावाचक है उनके मुख कैसे हैं? कौन से चंद्रमा? अमावस्या के चंद्रमा। हाँ बोल रहे हैं अमल प्रभु, अमावस्या के चंद्रमा नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा, मतलब जो भगवान भागवत की कथा कहते हैं कितने वो महान है। जरा देखिए, हे राजन मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्य गण भगवान के दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वो भौतिक सुख भूख प्यास भय शोक और सांसारिक माया मोह से निश्चय मुक्त हो जाता है। अगर हमें भौतिक सुख दुख शोक मोह भय भूख प्यास इत्यादि जितने माया मोह इससे मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? भागवत का श्रवण करना चाहिए। किन से सुनना चाहिए? टीवी से, यूट्यूब हाँ, जो परंपरा में आते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव भक्तों से सुनना चाहिए। वैसे तो प्रभु भक्तों आप लोग सब जानते ही हैं, मतलब कोई भी किसी भी आश्रम में रहें भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में वो लगे हैं उनसे श्रवण करते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। परंतु
अगर हमारे चित्त को शुद्धि करना है और हमें हमारे भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ना है, विरक्त संत से सुनना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, जिन्होंने भागवत के केवल भागवत को वाचन नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और संसार की भोग प्रवृत्ति, शरीर संसार से निवृत्त है, ऐसे संतों से जब हम सुनते हैं तो लगता है, यहाँ लगता है। हम तो कहने वाले तो बहुत हैं, व्यासासन में बिठा दो सब लोग कहेंगे। भारतवर्ष में प्लेयर कम है, कमेंटेटर ज़्यादा हैं, नहीं समझे कोई, क्योंकि जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना वो जानते हैं प्लेयर कौन होता है, कमेंटेटर कौन होता है है ना। पर ये देखिए, इसलिए ये इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये है चरित्र श्रवण, लीला श्रवण। चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार को साधन रूप श्रवण विधि की संस्तुति की। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों वेद विध्यान का ठीक से पालन, जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण भावना में होने पर ही भौतिकवादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग कर सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वो अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोह में कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वो योग हो जाता है। ऐसे सब व्याख्या आप सब पढ़िए। अब कह रहे हैं गुण श्रवण, नाम श्रवण हो गया, चरित्र या लीला श्रवण हो गया, अभी गुण श्रवण, भगवान के गुणों का श्रवण करना। ये 12 स्कंद 3 अध्याय 15 नंबर श्लोक, रिपीट। यस्तु तमा श्लोक गुणानुवाद, संगीयते भिक्षणम अमंगलघ्नः, तमेव नित्यं शृणुयात् अभिक्षणम्। कृष्णे अमलां भक्तिम अभिप्समानः। जो व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, चाहते हैं ना, तो जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि सदोच्चार द्वारा की जाती है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्या है इसका अर्थ, उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है बोलो। ना, वन हु इज ग्लोरीफाइड बाय द चॉइसेस्ट पोएट्री, जिनकी गुणगान उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है। उत्तम का अर्थ क्या है, आप ऊपर बैठे, बैठिए इधर आइए, ऊपर बैठे, हाँ आप विवेक रूप ऊपर बैठे, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर। देखो तम का अर्थ क्या है, नीचे नहीं, डार्क, इग्नोरेंस, अंधकार या अज्ञान है ना, और उत्तम, हाँ राइजिंग अबव द इग्नोरेंस, इसलिए मैं इनको राइजिंग करने के लिए बोल रही हूँ। उत्तम का अर्थ है, उत्तम श्लोक का देखिए अर्थ बहुत सुंदर है, कि तम का अर्थ है कि अज्ञान, अंधकार या जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, और उत्तम का अर्थ है कि उससे ऊपर, जो उससे ऊपर रहते हैं या जो जिनके संपर्क में आने से सभी तमो से ऊपर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जिसकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि सब द्वारा की जाती है, अर्थात उत्तम श्लोक भगवान, उसे अनेक यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए, इससे हृदय का समस्त प्रकार अमंगल निश्चय नष्ट होगा। कितनी महिमा है श्रवण का, देखिए कितना श्लोक रूप गोसाई बात कोट करते हैं श्रवण के लिए। बलराम भू, नाम श्रवण, क्या क्या पढ़े अभी तक, नाम श्रवण और क्या पढ़े, चरित्र या लीला श्रवण, अब ये गुण श्रवण।
जे भगवान के गुणों का श्रवण करना, कोई एकाध गुण भगवान के गुण बताइए तो याद आता है? भगवान का एक गुण है रसराज, सभी रसों के आगर है। और कोई? हाँ, वो भी है वेणु माधुर्य, भगवान बहुत सुंदर वेणु बजाते हैं। ये तो नाम हो गया ना, कोई गुण भगवान के इतने सारे गुण हैं। क्या शक्तिमान, सुपरमैन, ही मैन, ये सब क्या बोल रहे? बोलिए निलय को। भगवान के अनेक गुण हैं, उसमें से एकाध कोई गुण, जैसे इन्होंने कहा रसराज हैं वो, मनमोहन, सबके मन को मोहित लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। भक्त वत्सल, ये गुण है भगवान के। करुणा सिंधु जे हो, दीन बंधु, भावग्राही जनार्दना, प्रेम प्रेममयी, प्रेममयी तो राधिका हो गई है ना, प्रेममय। तो योगेश्वर, योगेश्वर मक्खन चोर, नटवर, जो अच्छे नृत्य करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं, है ना। तो ये सब और भी आप अगर जानना चाहते हैं कि भगवान के क्या क्या गुण हैं, इसी ग्रंथ के आगे लिखा है, अभी मत देखिए बाद में, इसी ग्रंथ में भक्ति शास्त्र के बाद जो पढ़ाई होती है ना, जो कभी कोई पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा है, दक्षिण विभाग में। अभी तो हम पूर्व विभाग पढ़ रहे हैं ना, तो जब आपका ये पूर्व विभाग हो जाएगा तो दक्षिण विभाग में आप पढ़ेंगे तो भगवान के अनंत, उसमें से 64 प्रमुख गुण बताए। हतारी गतिदायक, ये एक भगवान का गुण है, जो एक बार शरण में आते हैं ना उसको अपना धाम दे देते हैं। ये सब गुण आपको अवश्य पढ़ना चाहिए समय निकल के अलग से। कार्तिक मास में आपको रिजोल्यूशन है, भक्ति रसामो सिंधु होने के बाद उसके आगे का, भक्ति शास्त्री के आगे का पढ़ाई आप पढ़ेंगे। सब लोग हरि बोल बोली, हरि बोल पढ़ेंगे ना। तो दो होमवर्क हो गए, एक तो संपूर्ण भागवतम सुनना है और भक्ति रसामो सिंधु के दक्षिण विभाग पढ़ना है, गजेंद्र मुख स्तुति नित्य पाठ करना है। वो नित्य पाठ करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। 16 कला 64 कला बोलते हैं। हाँ, जो बता रहे हैं वही, जो ब्रह्म चैतन्य क्या बताए, नहीं भक्ति रसामो सिंधु में तो है पूरा लिस्ट में, आगे देखो ना ग्रंथ में, पता नहीं कहाँ ब्रह्म संहिता में इतना ध्यान नहीं दिया, कहाँ होगा। तो ये देखिए, श्री कृष्ण गोपाल की भक्ति प्राप्त करने के लिए उनका गुणानुवाद रोज रोज पुनः पुनः प्रतिक्षण करना चाहिए। क्या बात है, हरि बोल। भगवान का गुणानुवाद रोज, गजेंद्र जी जब प्रार्थना करते हैं उसमें भगवान का गुण करते हैं, कुंती महारानी जब प्रार्थना करते हैं उसमें भी भगवान के गुण है। कोई एक प्रार्थना बताओ जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। कल हम कह रहे थे ना कि कैसे भगवान के क्या विशेष, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ते गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते। तो नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान अकिंचन के, अकिंचनों के संपत्ति, तो ये भगवान के गुण है, है ना। गुण श्रवण, ये भगवान के अलग अलग गुणों को मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ने वाला हूँ, मैं भी इतने वर्ष हो गए, मैंने आप सबके सामने कह रहा हूँ, मैंने आगे का पढ़ा नहीं है, लेकिन लोभ है,
और इस बार मैंने मन बना लिया है कि मुझे भक्ति रसायन सिंधु पूरा पढ़ना है। क्यों केवल 19 अध्याय पढ़ेंगे? मार्क लाने के लिए, मार्क तो लाएंगे पर बाकी का जो रूप गोसाई पाद ने किसके लिए लिखा, वो जो मंदिर के सामने पान वाले के लिए लिखा है, भक्तों के लिए तो लिखा है, तो आप सब लोग अवश्य पढ़िए, कम से कम जानकारी होना चाहिए। तत्कृपा इक्षणम, ये 44 नेक्स्ट भक्ति जो है तत्कृपा इक्षणम, भगवत कृपा की आशा करना। और भक्तों ये जो श्लोक है 10, 14, 8 ये श्लोक प्रत्येक भक्त को कंठस्थ होना चाहिए और अपने इसको बार बार याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्यों? जब भी भक्त के जीवन में कभी संकट, समस्या, विपत्ति, हतोत्साह, डिस्करेजमेंट, मिजरी, डिस्टर्बेंस, चाहे वो आदि दैविक हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी प्रकार का क्लेश हो, ये श्लोक अगर हमने याद किया और उसको स्मरण किया, कभी भी हम निरुत्साह नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो बोली गई श्लोक है, इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है, जो कुछ भी, जो किसी भी कोई भी परिस्थिति में हम रहते हैं, चाहे वो अप्स हो, डाउन्स हो, राइट हो, लेफ्ट हो, कोई उतार हो, चढ़ाव हो, किसने कुछ बोल दिया हो, या हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ गई, हमारा बिजनेस लॉस हो गया हो, कुछ ना कुछ, जहाँ भी सुख दुख जो भी आता है, ये हमें एक बहुत बड़ा उत्साह देता है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होके और भक्ति में लगे रहते हैं और यही सोचते हैं कि ये जो भी मेरे जीवन में होता है वास्तव में मेरे ही कृत कर्म है, मेरे ही कोई कर्म है जिसका इस रूप में मेरे सामने आता है, लाख प्रयास करने पर भी कई बार वो बदलते नहीं, तो हमारे कुछ पता नहीं इस जन्म के या पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे जो किसी भी रूप में आते। परीक्षित महाराज के सामने वो किस रूप में आया? तक्षक के रूप में। चित्रकेतु महाराज के सामने किस रूप में आया? पार्वती जी की श्राप के रूप में, जिसके वजह से वो क्या बन गए? वृत्रासुर। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज के सामने किस रूप में आया? कैंसर। कदम करण महाराज के सामने किस रूप में आया? तमाल कृष्ण गोस्वामी के महाराज के किस रूप में आया? एक्सीडेंट। ये किसी भी कोई भी रूप में आ सकता है, वो सुख हो या दुख हो, किसी भी रूप में, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भक्त विचलित नहीं होगा। अगर ये श्लोक को आपने ध्यान रख लिया और अपने जीवन में उतार लिया, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई विचलित नहीं होगा, वो हमेशा वो भगवान की कृपा के ऊपर ही आशा बनाए रखेगा। और अगर ऐसे भाव में कोई रहता है, किसी को ब्लेम दिए बिना, किसी के ऊपर, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर ब्लेम या किसी कंप्लेन बिना दिए, और वो केवल भगवान की कृपा के आश्रय में रहता है, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। ये श्लोक है वो, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, बोलिए, भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग् बपुभिर्विदधा नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदायभा। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणं, तत्तेनुकंपां
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाव हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहित की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतस्थल में आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों का भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। कौन किस व्यक्ति के लिए मुक्ति अधिकार हो जाता है, वो मोक्ष या भगवान के धाम जाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए वो राइटफुल कैंडिडेट हो जाता है, कौन? जिसके पास ये गुण है कि इस जीवन में मुझे जो भी सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ कोई भी मेरे सामने किसी भी रूप में आता है, वो मेरे ही कृत कर्म है। पूज्य राधना स्वामी महाराज एक सुंदर सेंटेंस कहते हैं, डोंट बिकम एंग्री अपन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म। बहुत डीप सेंटेंस है। अपने कर्म के कारण के ऊपर क्रोध ना करें, क्योंकि हम या तो व्यक्ति को दोष देते हैं, नहीं तो मैनेजमेंट को, नहीं तो परिस्थिति को, किसी न किसी को दोष देते हैं। देते हैं कि नहीं? ईमानदारी से छाती के ऊपर हाथ रख के बोलो। है ना, लास्ट में भगवान को देते हैं। हाँ, सही में। और अंत में क्या होता है, जाके को तो सब यही किया है, ओ माय गॉड पार्ट टू। सब यही करते हैं, पर भक्ति की चेतना क्या होता है देखिए। इसी में ही हम पढ़े हैं ना कि क्या प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। शुरुआत में हमने पढ़े जो प्रारब्ध कूट बीज प्रारब्ध, प्रारब्ध को भक्त भोग के ही खत्म करता है। वो तो भक्ति करते हैं, भक्ति से प्रारब्ध कम हो जाता है वो तो अलग बात है, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है कि प्रारब्ध कम हो जाता है, नहीं तो हम आज यही नहीं होते। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता। हम कई भक्तों के जीवन में अनुभव है, बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचे हैं। अगर भक्त नहीं होते ना तो अभी तक दिखने लायक नहीं होते, ऐसे होते भी नहीं। तो तात्पर्य ये है कि भक्ति से प्रारब्ध कम हो जाता है और धीरे 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 नलिफाई हो जाता है, पर जो भी बचा कुचा रहता है ना उसको उसको सामना करके ही उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए भक्त किसी को ब्लेम नहीं करते, मेरे ही किया हुआ कर्म ही मेरे सामने आता है, इस चेतना में जो रहते हैं और भगवान के ऊपर, किसी के ऊपर दोष ना देके भगवान की कृपा की आशा करते हैं। क्या परीक्षित महाराज ने किसको दोष दिया? किस श्रृंगी को दोष दिया कि उसके वजह से ऐसा हुआ करके? नहीं ना। माता पार्वती जब श्राप दे चित्रकेतु महाराज को, चित्रकेतु महाराज तो सीधा विमान से उतरे और माता पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव सबके सामने अपनी पत्नी देवी पार्वती को कहते हैं, देखो, देख रहे हो भगवान विष्णु के भक्त कितने महान होते हैं, तुम बस रूप में सुंदर हो। इतना बड़ा वाक्य अपनी पत्नी को बोल देना भरी सभा में, सुना नहीं आप लोगों ने ठीक से ना अभी? पकड़े गए ना अभी? तो बहुत बड़ा वाक्य, मतलब सभा में कथा चल रही है, भगवान शिव प्रवक्ता है, पार्वती जी गोद में ही बैठे हैं और चित्रकेतु महाराज जब कटाक्ष किया तो पार्वती जी को सहन नहीं हुआ, श्राप दे दिए। अरे जब प्रभु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, माता जी उछल के, प्रभु जी कुछ नहीं बोल रहे, मतलब भगवान शिव कुछ नहीं,
दोनों गुरु भाइयों में परिहास होता है कभी कभी, अरे क्या है तुम भी यार वाइफ को लेके जांग पे बैठे हो और कथा कर रहे हो, यही आदर्श है ना, जटाधर तीव्र तप ब्रह्मवादी सभापति ऐसे कहते हैं। शिव जी को कुछ बुरा नहीं लगा, कई बार गुरु भाइयों के बीच में, दोनों गुरु भाई है एक्चुअली, दोनों के गुरु एक ही है शंकरसन भगवान, तो परिहास हो जाता है। पर ये ध्यान रखना चाहिए भी गुरु भाइयों में परिहास तो हो जाता है लेकिन साइड में माता जी नहीं होनी चाहिए, उनको सहन नहीं होता है तो पार्वती जी सहन नहीं कर पाए और श्राप दे दिए तुरंत। और भागवत आप छठे स्कंद खोल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जब पार्वती जी ने श्राप दे दिया, चित्रकेतु महाराज के पास भी वो उतना शक्ति और सक्षम थे, वो उल्टा श्राप दे सकते थे, लेकिन तुरंत विमान से उतर गए और माता जी को प्रणाम करके हे अम्ब कह के पुकार रहे हैं, हे माता आपने आपके मुंह से जो भी निकला शायद ये मेरे ही कृतकर्म है जो मुझे इस प्रकार से ऐसी स्थिति में। लेकिन शिव जी ये तो कह के चले गए, पार्वती जी चित्रकेतु महाराज क्या सुंदर प्रसंग है, आंखों में आंसू आ जाते वो प्रसंग पढ़ने से कि कितना बड़ा भयंकर श्राप दे दे कि तुम राक्षस बन जाओ, फिर भी एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है कि अरे माता जी आपको तो नहीं, आपको समझे नहीं आप, मैंने एक्चुअली परिहास में बोला था, मजाक में बोला था, ऐसा नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ कह रहा था, कुछ नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो वहाँ से जब चले गए चित्रकेतु महाराज, तब भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, इसलिए भक्तों मैं कह रहा हूँ भागवत को सुनिए, पढ़ने का समय नहीं तो कम से कम कथाओं को सुनिए, तब ये सब नरेशन याद रहेगा, इसलिए आपको मैं होमवर्क दिया, इस सब कथाओं को बहुत बढ़िया से सुनिए। तो तब भगवान श्री पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती तुम सिर्फ रूप में सुंदर हो लेकिन देखो विष्णु के भक्त चित्रकेतु वो गुण में सुंदर है, इतना बड़ा अभिशाप दे दिया, पलट के एक वाक्य भी नहीं बोले, आप में से हम में से कोई होता तो सीधा तमाचा लगा देते, कान के नीचे तो दे देता ना एक दो, सहन नहीं होता है। तो ये है भगवत कृपा की आशा करना, भक्ति में ये एक अंग है। हम लोग 64 भक्ति अंग पढ़ रहे हैं, इसमें 44 भक्ति अंग है कि हमेशा जीवन पल पल जीवन में पग पग पर भगवत कृपा की आशा करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है, अपने प्रयास का कोई सार स्थान नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अपना प्रयास तो अवश्य करना चाहिए, पर प्रयास करके भी सदैव भगवत कृपा और उनकी आशीर्वाद की याचना करना चाहिए। पुरुषार्थ और कृपा से ही सफलता मिलती है, वंस ओन एंडेवर एफर्ट विथ डिवाइन मर्सी वन गेट सक्सेस। कल्याण जी इतने दिन हो गए अभी तक तो हिंदी समझ लेना चाहिए ना? भगवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शन होना चाहिए, भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता है, यह तभी संभव है जब वो कृष्ण भावित कर्म करना प्रारंभ करते, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावनामित कर्म पूर्ण हो जाता है तो उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता उसे चाहिए कि वो गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। अगर ऐसा कोई करता है ना वो दाय भाग बन जाता है। दाय भाग का अर्थ क्या जानते हैं? पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र, लेजिटिमेट हेयर इनहेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। पिता के संपत्ति पर पुत्र पिता के संपत्ति को पुत्र कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका पहला अधिकार है वो जीवित होना चाहिए।
है ना। तो उसी प्रकार से हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के धाम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हम भक्ति करें। स्मृति स्मरण 45 नंबर भक्ति स्मरण। यथा कथम चिन मनसा संबंध स्मृतिर उच्यते। अच्छा इसमें एक बहुत सुंदर एक बार पढ़ लेता हूँ टीका से, बहुत सुंदर एक प्रसंग है इसमें। भक्ति का सुनिए ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। भक्ति का अबांतर फल है सुख। भक्ति करते हैं ना हम लोग, सचिनंदन जी दिख नहीं रहे, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से सुख मिलता है। कई बार आपने सुना हो, पहले भी पढ़े थे कि जो कई बार निर्धन भी बड़े धनी हो जाते हैं। अरे पहले तो पता ही नहीं था, कई लोगों को हमने देखा है, लेकिन भगवान की भक्ति में आए तो बस चार चांद लग गए, तरक्की हो गई, कई सुख, भौतिक सुख मिलता है, जॉब लग जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, अच्छी खासी विवाह हो जाता है, विदेश भी चले जाते हैं, भौतिक सुख भी मिल जाता है। भक्ति करने से ये सब भी प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है। श्री हरि श्याम सुंदर, इज इट आर यू गेटिंग प्राइम रिजल्ट ऑफ भक्ति इज नॉट मटेरियल प्लेजर, बट दीज आर बाई प्रोडक्ट। आनुषंगिक अर्थ का है, ये सब मिलते हैं भक्ति से, ये सब भी मिलते हैं, और फिर दुख भी मिलते हैं। सुख तो हो गया, कई भक्तों के जीवन में दुख भी आता है, वो कैसे होता है, अपराध से। कई प्रकार के अपराध है जिससे दुख भी होते है ना। अब कह रहे हैं देखिए, इन दोनों की भोग करते हुए सुख को भी भोग करें, क्योंकि अभी भक्ति करने से सुख भी आता है दुख भी आएगा। दोनों को भोग करते हुए साथ ही भगवत अनुकंपा को सम्यक रूप से देखते हुए जीवित रहना ही उत्तराधिकारी का गुण है। हम लोगों को दोनों को भोग करते हुए भक्ति करते रहना, यही कर्तव्य है। समय समय में प्राप्त सुख एवं दुख को भगवत अनुकंपा का फल जानते हुए पिता जिस प्रकार पुत्र को समय समय में दूध पिलाते हैं, कभी कभी दूध पिलाते हैं और कभी कभी नीम का रस भी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं अखिलेश जी? कोई रोग के लिए? क्या पिता उसके शत्रु हैं? पिता माता कभी कभी बच्चों को मधु भी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और कभी कड़वी दवाई भी पिलाते हैं, नीम का रस भी पिलाते हैं, कृपा पूर्वक पिलाते हैं। कभी कभी आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, और कभी कभी एक कान के नीचे बजा देते हैं। तो इस प्रकार मेरे हिताहित को, पुत्र के हिताहित जिस प्रकार पिता जानते हैं, उस प्रकार मेरे प्रभु भी जानते हैं। पुत्र का हित किस में है, अहित किस में है, वो पिता जानते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम जैसे पिता अपने पुत्र को आलिंगन करते हैं, हमारे जीवन में जब दुख आता है जैसे पिता अपने पुत्र को दंड देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस ऐसे ही हम अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना है। मैं नहीं जानता हूँ, भक्त के प्रति काल कर्मादि का कोई अधिकार नहीं है। कि भक्त के प्रति काल कर्म का भी प्रभाव नहीं होता है, प्रभु श्री कृष्ण ही कृपा पूर्वक सुख दुख भोग कराते रहते हैं। इस प्रकार विचार करके जीवित रहना होता है। तो जो जितना शुद्ध होते हैं और जितना वरिष्ठ होते हैं, मतलब अनुभवी परिपक्व होते हैं, उनके जीवन में और कर्म कुछ रहता ही नहीं है। भक्ति के तीव्र प्रभाव से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं,
फिर भी हम देखते हैं सन्यासी गुरु वरिष्ठ भक्तों को भयंकर बीमारी होता है, वो क्यों? ये भगवान की, हाँ भगवान की देन है, भगवान का व्यवस्था है कि और भक्ति में तीव्रता को बढ़ा के उनको अपने पास लेने की। कभी आप अगर YouTube में वीडियो देखेंगे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज के अंतिम समय, तब पता चलेगा महाराज पहले जैसे थे, लेकिन जब उनको कैंसर हो गया अंतिम समय में, वो जो बिस्तर में लेटे थे और जस्ट थोड़े ही दिन पहले प्राण छोड़ने के थोड़े दिन पहले जिस करुण स्वर से वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, पावन राधा पाव तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम, ऐसे कहते रोते हैं, आप देख सकते हैं उस वीडियो में महाराज रो रहे हैं। और बस थोड़े दिन एक दो दिन के बाद शरीर पूरा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब उत्तम अधिकारी या उत्तम स्तर में जो भक्तों को जीवन में कष्ट होता है वो उनका कर्म नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी मत सोचिए कि हमारे गुरु महाराज को क्या किसी वरिष्ठ सन्यासी वरिष्ठ भक्तों को जो बीमारी आती है वो उनका कर्म नहीं है। कर्म तो कब का ध्वंस हो जाता है, भक्ति का इतना प्रभाव है। पर भगवान कभी कभी ऐसे कुछ इस प्रकार का कुछ सिचुएशन परिस्थिति देते हैं जिससे वो बहुत ही जल्दी अपने पास ले लेते हैं, एक। और दूसरा, शिष्यों के भार के वजह से गुरु दुख भोगते हैं, am I right? शिष्य अगर ठीक से भक्ति भजन नहीं करेंगे उनका, हाँ, तो वो गुरु ले लेते हैं, इसके वजह से उनको दुख कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज कर्म का फल भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। है ना, उसमें है ना, सुना चालू कर दिया। हाँ, वो बहुत ही बड़ा 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 ऊंचा प्रार्थना है, वो हम में से कोई कर ही नहीं सकता। माइक दीजिए ना उनको, एक बार बोलिए तो सभी भक्त लोग सुने। तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने मतलब एग्जॉल्टेड वैष्णव है कि उन्होंने भगवान से मांगा कि इस्कॉन में जो भी नए लोग आएंगे भक्ति में प्रवेश करके, तो उनके जो भी कर्म फल है वो मुझे मिले, वो भक्ति में आगे बढ़े। तो ऐसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, फिर उसके बाद उनको कैंसर, उनको कैंसर हो गया। ये सही बात है। ये कौन कर सकता है? है कोई किसमें है, किसमें है दम ऐसे प्रार्थना कर सके? इतना आसान नहीं है भक्त। महाप्रभु के पार्षद वासुदेव विप्र, वासुदेव दत्त, हाँ वासुदेव विप्र जो, हाँ वो बहुत ही अच्छे डांसर थे, वैसे ही डांसर जो है हमारे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थे, तो वैसी प्रार्थना उन्होंने वैसे की। तो ये है भगवत कृपा की आशा करना, तो केवल पढ़ के परीक्षा में मार्क लाने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में भी अभ्यास करने के लिए। आगे से आज से आप लोग ये कान खोल के सुन ले, हमारे जीवन में भी कभी किसी भी प्रकार का ऐसा परिस्थिति आता है तो डोंट ब्लेम एनीवन कि अरे इसके वजह से उसके वजह से, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के अपना ही कृत कर्म ही किसी ना किसी के रूप में सामने आता है ना। अब देखिए स्मरण पढ़ लो जल्दी, यदि कोई यदि कोई अपने मन में जिस तीस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में
स्वर्ण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्य पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें ना यथा कथनचित मनसा संबंध स्मृति रुच्यते, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करना ही करता है तो ये संबंध स्मरण कहलाता है। तो एक है नाम स्मरण, आपने सुना ये हमारे सुमिरन जी आज दिख नहीं रहे उनका, तो एक है नाम स्मरण। नाम स्मरण कैसे होता है? एक तो है कि नाम को हम उच्चारण करके जप करते हैं, उसी को ही जब धीमी धीमी स्वर से जप करते हैं उसको नाम स्मरण कहते हैं। आप मंत्र को स्मरण करते हैं, उस मंत्र को स्मरण करते करते सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तब तक आप सौभाग्य से अगर आपने राधा श्याम सुंदर को स्मरण किया कि आज राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर दिख रहे हैं, कौन से रंग के पोशाक पहने हैं, हरे कृष्ण, राइट, आपको आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, येलो कलर का ड्रेस है आज ठाकुर जी का पोशाक है, आज जो है ना पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, उसमें नकासी हुई है ये सब, पर वस्त्र का रंग क्या है? तो ऐसे आप अगर दर्शन करेंगे तब तो स्मरण होगा ना, अगर सैल्यूट मार के आ जाएंगे तो कहाँ से स्मरण होगा, है ना, हो गया दर्शन, ऐसा नहीं, हाजिरी देने नहीं जाना है वहाँ, 7:15 बजे जाना है प्रभु जी, क्यों कि दर्शन आती है, हाजिरी देने जाएंगे तो स्मरण नहीं होगा, थोड़ा समय दे के निहारेंगे, दृष्टि से ही फोटो खींच लेंगे तब स्मरण होगा, राइट। राधा रानी के दोनों हाथ जो ऐसे हैं इसमें एक बहुत सुंदर माला लगाया हुआ है, तो ऐसे दर्शन करेंगे तो वो स्मरण होगा। लेकिन स्मरण और ध्यान में थोड़ा अंतर है, एक तो हो गया स्मरण, अभी ध्यान देखिए। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप गुण कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना, भगवान के रूप, भगवान के रूप को दर्शन किया आपने, उसको उनको उनको स्मरण करना। जैसे देखिए, मान लीजिए आप अल्टर के सामने गए, गौर नेता कृष्ण बलराम राधा श्याम, दर्शन किया आपने, दर्शन करने के बाद एक मिनट के लिए आंख बंद करके उसी स्वरूप को अंदर ही स्मरण कीजिए, राइट, सचिनंदन पू समझे ना, पहले आप आंख खोल के दर्शन करें। बाहर के लोग क्या है, आते ही आंख बंद कर देते हैं, अरे पहले देखो ना ढंग से, देखा होगा ना बाहर के लोग जब मंदिर में आते हैं ना, हाँ वो एक ऐसे ही मान लो आते ही उनका चालू हो जाता है, आंख बंद कर देते हैं, अरे क्या आंख क्या बंद कर, देखो बढ़िया से देखो, अच्छी तरह से हमें दर्शन करना है और फिर एक मिनट के लिए वहीं खड़े रह के स्मरण करिए, जो देखा आपने, कैसे पायल पहने हैं, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाइए। एक बार भुरीजन पो ने बहुत सुंदर एक्सरसाइज किया था, हम लोग बहुत उसमें तल्लीन हो गए थे, भुरीजन पो क्लास दे रहे थे और पूरे ऑडियंस में सबको बोले आपके अपने फेवरेट डेटीज, अपने फेवरेट जो भी प्रतिमा है उनको आप स्मरण कीजिए, फिर वो इस तरह से बोल रहे थे, हम सबका मन एक सेकंड के लिए एक मिनट के लिए वहीं चला गया, पहले आप चरणों को स्मरण कीजिए, वो चरणों से धीरे धीरे अपने दृष्टि को अपने मन में ही ऊपर उठाइए, भगवान के जानू तक लाइए, और जानू में कैसे उन्होंने पीत वर्ण के धोती पहने हैं, फिर पुजारी कई 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 अलग अलग डिजाइन्स फ्लावर कमर का पट्टा अलग अलग प्रकार के होते हैं,
कभी ज्वेलरी का होता है, कभी फूलों का होता है, कभी और कुछ होता है, उसको आप स्मरण कर सकते हैं। फिर यहाँ इतना सुंदर नाभि प्रदेश को पेंटिंग करते हैं, नाभि को दर्शन होता है और कहीं इतना होता नहीं है। ध्यान आ रहा है, श्याम सुंदर के नाभि कितना सुंदर दिखते हैं। नाभि को दर्शन कीजिए, फिर अपनी दृष्टि को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर वक्षस्थल में कितने मालाएं हैं वो आप देख सकते हैं, कौन से रंग के मालाएं और कितने माला हैं वो आप देख सकते हैं। फिर उनके कंठ को देखिए और फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ऊपर उठा के उनके सुंदर मुख कमल को देखिए, मुख कमल में पगड़ी, पगड़ी कौन से रंग का है और पगड़ी में कितने मोर पंख है। खड़े हो जाओ। तो एक एक तो बड़ा बड़ा मोर पंख एक तरफ रहता है ऐसे, राइट, और कभी कभी एक या दो मोर पंख लेफ्ट साइड में रहता है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं दर्शन। आप कृष्ण बलराम को देखेंगे तो बलराम जी में कभी एक रहता है, कृष्ण में दो रहता है, और कभी कभी कोई पुजारी जिसके मन में जैसा भाव आता है कृष्ण बलराम को बिल्कुल एक जैसा ही श्रृंगार कर देते हैं, जो जितना इनमें है उतना कृष्ण में ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसा भी देखा होगा आपने। आज बलराम जी के राइट हैंड में क्या है, एक मरून कलर के रस्सी है जिसमें गाय बैल को बांधते हैं, वो लिए हुए हैं राइट हैंड में, जैसे नीचे है ना ऐसा, और बाएं हाथ में छोटा सा मुरली है और वो हाथ भी कृष्ण के कंधे के ऊपर है और छोटा सा मुरली भी पकड़े है ना। तो इस जब आप दर्शन करते हो और उसी वहीं खड़े होके एक मिनट के लिए आंख बंद करके उसको स्मरण कीजिए, फिर जहां फिर आंख खोल के फिर देखिए, इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। देखो यहाँ इसलिए तो क्या भगवान के स्वरूप गुण, गुणों को ध्यान करना है। जैसे अभी हम लोग चर्चा करे थे भगवान के गुण, गजेंद्र जी को उद्धार किए, द्रौपदी जी को उद्धार किए, भगवान का गुण है ये, भगवान के कर्म और उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। भगवान की सेवा के विषय में मन में सोचने का अर्थ क्या है ललित कृष्ण प्रभु? जैसे आप कभी कभी कोई भी अगर आपको सेवा मिलता है तो आप मन में प्लानिंग करते हैं ना, आप लोग प्लानिंग करते हैं कि नहीं? सब लोग करते हैं ना, कोई भी सेवा मिलता है पहले तो मन में सोचते हैं ना, योजना करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। भगवान की सेवा के बारे में सोचना भी एक सेवा है। पहले तो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करना पड़ता है, कैसे जाऊं, कितने बजे जाऊं, क्या क्या लेके जाऊं, किस तरह से करना होता है ना। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। तो यहाँ नरसिंह पुराण से कहा गया है, क्या कहते हैं नरसिंह पुराण से, भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंद्वम इरितम पापिनोपि प्रसंगेन विहितम सुहितम परम। अनुवाद पढ़िए नरसिंह पुराण में। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। ये हो गया रूप ध्यान, अब कहते हैं गुण ध्यान। विष्णु धर्म में कहा गया है, ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे प्रक्षिणा कलु सौघास्ते प्रविशन्ति हरे पदम। विष्णु धर्म में क्या कहा गया पढ़िए। जो लोग कृष्ण भावना मृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे देखिए आप कभी पूतना उद्धार आपने कथा सुना तो उसमें कैसे भगवान ने श्याम सुंदर केवल 6 दिन के थे, कितने कितने पूतना का उद्धार कब हुआ जानते हैं? 6 दिन के थे, बोलिए ना,
छह दिन के थे, याद रखिए, बस छह दिन के थे, जिस राक्षसी ने स्तन में हलाहल विष लगा के श्री कृष्ण को मारने आए थे, ठाकुर जी ने उसको माँ बना दिया, धात्री। तो हम लोगों को तो कुछ लगता नहीं, लेकिन गुरु महाराज जब इस वाक्य को बोलते हैं तो गदगद हो जाते हैं। ओह, क्या गुण है भगवान, कितने महान हैं, कि जिसने उनको मारने आए, जो उनको मारने आई थी और उसको धात्री का गद, बिल्कुल यशोदा के बाद उनका ही नाम आता है। तो जिसका चित्त आर्द्र है, जिसका चित्त साफ है ना, भगवान की लीला गुण कीर्तन करते करते, श्रवण करते करते उसका भाव भी और हो जाएगा। देखा ना, हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, पत्थर जैसा है, कितना भी बोलो कुछ नहीं होता है। हाँ वही, लेकिन होगा। अब कंटिन्यू करते रहे। गुण ध्यानम हो गया, क्रीड़ा ध्यानम। अब देखिए, क्रीड़ा ध्यानम मतलब भगवान की लीला ध्यान, मेडिटेशन ऑन पास्ट टाइम्स। सर्व माधुर्य साराणी सर्वा भूत मयानि च ध्यायन हरे चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। तो देखिए, सेवा ध्यानम, आप जो भी सेवा करते हैं, वो सेवा के बारे में पहले मन में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस प्रकार से सेवा करना है ना। तो एक होता है मानस सेवा, जो बहुत ही उन्नत भक्त लोग करते हैं। हमारे स्तर में तो शारीरिक सेवा बहुत श्रेष्ठ है, वही नहीं हो पाते हैं, मानस सेवा कहाँ गए। मानस सेवा का अर्थ क्या जानते हैं, कोई बता सकता है? हाँ अमल भू बताओ। जी कल्याण को, हाँ वो इसमें ही है, कहाँ है, बस आ गई। जिसे कहते हैं कि हम, जैसे पढ़िए ना, पढ़िए, बहुत अच्छा उदाहरण है, पढ़िए प्रभु। एक प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो संपन्न नहीं था, किंतु तभी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह अपनी विपन्नावस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये सारे कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। चूँकि ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वसन साधन के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है।
श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के चरण, भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उससे ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णवजन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फल, फूल फल, अगुरु तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रह को अच्छी प्रकार से अर्पित करता जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इसी प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया, किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था क्योंकि खीर ताज़ी बनी थी, अतएव काफ़ी गर्म थी। खीर को कभी कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। चूँकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि वह खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ तो ही उसकी उंगली जल गई, तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था। अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियाँ उत्सुक उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है और इससे भक्तों को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। रोज को पानी पी लो तो यहाँ दे दो और इनको दे दो, ललित प्रभु माइक दे दो। तो देखा आपने ध्यान, ध्यान में एक ब्राह्मण साक्षात भगवान को भोग अर्पण कर दिए और उसमें उंगली जल गई है ना। तो आप ध्यान में संपूर्ण गिरिराज की 21 किलोमीटर परिक्रमा कर सकते हैं। अब चालू कीजिए, अगर यहाँ से महामंत्र जप करना चालू करेंगे तो आप सीधा ध्यान में पहुँचेंगे
अब मैं दान घाटी से दंडवत प्रणाम करके खड़ा हो गया हूँ, शुरू किया हूँ, अब चल रहा हूँ दान घाटी से परिक्रमा करके। चल पहले आता है इस्कॉन भक्ति वेदांता आश्रम, फिर आगे चल रहे हैं तो सीधा तलहटी में चले जाते हैं, तलहटी में जाते जाते फिर आता है इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, फिर अनियोर आता है, और अनियोर के बाद फिर क्या आता है बताओ, तेजी से हो गया बहुत मैं इसे बहुत तेजी से हो गया। तो आप ऐसे पूरी गिरिराज परिक्रमा स्मरण कर सकते हैं, अगर वृंदावन धाम की भी हो सकते। अब आप स्मरण करेंगे मैं पुलिस चौकी के पास दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण, याद जब चल रहा है इधर आपका परिक्रमा चल रहा है, और परिक्रमा में अब मैं पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, अग्रसेन में। अरे अग्रसेन से तो शुरू किया, भक्ति वेदांत हॉस्पिस पहुँच गया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब कहाँ पहुँच गया, इस्कॉन गौशाला में पहुँच, मदन टेर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, वास्तव में कोई परिहास नहीं है, तो मन उसमें रम जाएगा, है ना। अब सुनिए दास्य भक्ति क्या होता है, दिव्य सेवा के विविध रूप दास्य भाव कहते हैं। दास्य किसको कहते हैं, श्लोक देखिए, दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। कर्मार्पण एवं सब प्रकार से भगवान के कैंकर्य का नाम ही दास्य है। कर्मार्पण क्या होता है जानते हैं, हाँ बोलिए, जो भी कर्म है वो कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर दे, है ना। गीता में कौन से श्लोक आप बोलेंगे जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्पण करने के लिए, वो यज्ञ उनके लिए करना है, अर्पण कहाँ हुआ, सब लोग बोलिए एग्जैक्टली, हरि बोल बोलिए, यत करोसि यदस्यासि यत जुह्यसि ददासि यत, यत तपस्यसि तत्कुरुष्व, ये हो गया कर्मार्पण, ये है कर्मयोग। जो शुरुआत में भक्ति में आते हैं सबसे पहले हम उनको यही कहते हैं, पहले ही दिन आप अगर ये कहते हैं छोड़ो घर बार चलो अगर कहेंगे तो भाग जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, भाई तुम जो भी खाते हो, जो भी कर्म करते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी व्रत उपवास करते हो, किसके लिए करो, हाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए करो। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति, भक्ति की पहली सीढ़ी है ये, यही श्लोक जिसको कर्म योग कहते हैं, अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पण करो। अभी तक उसने माला जब शुरू नहीं किया, माला जब शुरू कर देंगे तो देखो एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म, और एक जहाँ योग शब्द आ जाता है, ये सब भगवत गीता में आप पढ़ोगे, जहाँ योग शब्द आता है ना तो उसमें भक्ति का संयुक्त हो जाता है, नहीं तो सामान्य कर्म है। कोई आया, हाँ ठीक है, मंदिर में डोनेशन दे दिया, ठीक है, तो अच्छा है कि भगवान के सेवा में उन्होंने कुछ दिया, वो कर्म को अर्पण किया, लेकिन खुद जब वो खुद भी प्रैक्टिस करने लगा, माला जब शुरू करने लगा, तब तो फिर वो कर्म योग हो गया, केवल कर्मार्पण नहीं, कर्म योग हो गया। और कर्म योग से फिर भक्ति योग श्रेष्ठ है, गीता में सब पढ़ेंगे। कर्म योग से भक्ति योग क्या है कि भक्ति में फिर वो अर्पण नहीं होता है, वो फल का अर्पण नहीं होता है। भक्ति योग में क्या होता है, जो भी करते हैं उनके लिए ही करते हैं, दोनों में अंतर है ना प्रेम प्रकाश जी, क्या अंतर है बोलो नीले। हाँ बहुत अच्छा, कर्म योग में क्या है कि कहते ना तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो यदस्नासी यद जुह्यसी ददास्यत, तुम्हें जो जो भी करते हो भगवान को अर्पण करके करो। लेकिन भक्ति योग में क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म ही सेवा है, भोग लगाना तो भक्ति हो गया। हाँ
अब ये सब चर्चाएं भगवत गीता में होगी, ठीक है। देखिए, कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है। पर रूप गोस्वामी बात देखिए, ग्रंथ देखिए, कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव का, मतलब थोड़ा अंतर है। वो कहते हैं कि कोई अपना कर्म को अर्पण करता है, कर्म फल को अर्पण करता है, तो भाई मैं क्यों भगवान का दास हूँ, चलो मैं अपने कुछ दान देते हैं या कुछ अपना काय न वाचा मन से इंद्रिय वा शरीर से मन से वाणी से धन से भगवान के लिए कुछ करते हैं, तो इसको दास सेवक। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रखना दास्य भाव है, कोई भी सेवा में, ये वास्तविक दास्य है। केवल आके डोनेशन दे देना वो दास्य नहीं, वो है पर वो प्रारंभिक है। वास्तविक दास्य कौन है, जब ये कहे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, ये है दास्य भाव। और क्या दास्य भाव है, मैंने ये 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 पद बिल्कुल वैसे ही है, जो मानस देह गे हो जो किछु मरो अर्पिलो तुआ पदे नंद के सर। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, जब सेवा का भाव आता है वो वास्तविक दास्य भाव। दास्य भाव में सर्वश्रेष्ठ हैं कपिपति, बोलो हनुमान ये मैं जो बोलता हूँ वही बोल देता है, कपिपति कौन है ये बोलना चाहिए ना कपिपति मतलब बानर, बानर युद्ध मुख्यम हनुमान जी। हनुमान जी क्या कहते हैं कि यह अभिमान जाऊ नहीं भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। यह हनुमान जी का अभिमान, भक्तों का अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए करना चाहिए, क्या अभिमान करना चाहिए हनुमान जी, हाँ अभिमान कर, ये अभिमान होना चाहिए कि मैं अखिलेश दास हूँ, क्या दास है जो भी आपका नाम है मैं कृष्ण दास हूँ, मैं अमल हरि दास हूँ, अमल हरि है ना, हाँ हरि का दास हूँ, ये अभिमान होना चाहिए। अमल प्रिय, अमल प्रिय दास हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, श्री माधव दास, मतलब मेरा पहला परिचय यही है। अगर कोई आईडी कार्ड पूछे तो पहला ये बताऊंगा सही में, कि ये भावना रहना ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों चारों वर्ण, इसका श्लोक हम सुन लेते हैं दास्यम में, कैंकर्यम किम करोति कैंकर्यम, कर्मार्पण और दास्य भाव है। तो यथा स्कांधे, स्कंद पुराण में क्या लिखा है, तभी पढ़ लेते हैं। जो लोग अनुष्ठानों चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वो भक्त माने जाते हैं, किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों में द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते, तो भी चूंकि वे भगवान के कर भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। अमल प्रभु यही पूछ रहे थे ना, देखो एक है कर्म के फल को अर्पण करना और दूसरा है भगवान के लिए कर्म करना, अंतर है ना। तो एक हो गया कर्मयोग, एक हो गया भक्ति योग।
यही हाँ भगवान के लिए करूँगा, और वो तो अर्पण किया, उससे भी बढ़कर हो गया ना, वो अपने लिए नहीं कर रहे ना, भगवान के लिए कर रहे। एक एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप में से किसको ड्राइविंग आता है, फोर व्हीलर ड्राइविंग, छोटू प्रभु आते आप में से कई भक्तों को, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई किसी को ड्राइविंग आता है, तो आप इस सेवा को आप कर्मयोग कह सकते हैं और भक्ति योग कर सकते हैं, कैसे? नीलय को माइक दे दो। अभी जो आपने कर्मयोग और भक्ति योग का अंतर बताया उसके अनुसार बोल सकते हैं, माइक दे दो इनको, प्रेम प्रकाश जी। सेवा एक है ना, जैसे एक, हाँ बोलिए, देखिए एक है कि गाड़ी चलाना, तो मान लीजिए मुझे ड्राइविंग आता है और अचानक एक सेवा आ गई कि प्रभु जी क्या आप महाराज जी को या प्रभु जी को स्टेशन छोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ प्रभु जी मैं चला जाता हूँ, मैं लेता हूँ, तो आपके मन में अपेक्षा नहीं है कुछ, पर ये गुरु कृष्ण वैष्णव की प्रसन्नता के लिए आपने ये सेवा किया, तो वो हो गया शुद्ध भक्ति हो गई। लेकिन जहाँ अपेक्षा रहती है कि ये इसलिए गाड़ी से किसी प्रभु जी को या महाराज जी को लेके मथुरा स्टेशन छोड़ेंगे क्योंकि वो सर्विस कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या है फिर, वो कर्म योग है, तो कुछ कर्म के फल को अर्पण कर रहे हैं। और जहाँ निस्वार्थ भाव से आप कुछ सेवा कर रहे हैं और कोई भी सेवा, तो फिर वो ऊंचा स्तर है, ठीक है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वो भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं, वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित होते हैं। तो ये सब आप पढ़ लीजिए। श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित हैं और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते। किंतु अब सुनिए, फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है, तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इससे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास स्वरूप में होते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि सभी लोग तो संपूर्ण निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से तो नहीं कर सकते ना, अपना शरीर और संसार तो चलाना है ना, तो उनके लिए कहते हैं। कोई मान लीजिए उनको कुछ अपने शरीर और संसार चलाने के लिए कुछ अपेक्षा है, कुछ चाहिए, लो धन चाहिए, या परिवार में रहने के लिए स्त्री चाहिए, परिवार चाहिए, है ना, तो ऐसे भी है, तो ये भी भक्त हैं। यही कह रहे हैं, देखिए, इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है, शब्दों को ध्यान दे रहे हैं ना, तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। यही तो कहते हैं कि मानस देह गेह जो कुछ मोर और पिलु तुआ पदे नंद, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जो भी है भगवान को मैं अर्पण करता हूँ और उनके प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। इससे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं। नारद पुराण में बताया, देखिए इसका अर्थ ये है कि जैसे
पूज्य गुरु महाराज एक सुंदर उदाहरण थे, हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। हनुमान जी कहाँ आपको मिलेंगे? राम दरबार में, अयोध्या में राम दरबार में हनुमान जी मिलेंगे। तो उनकी सेवा कैसी है? क्या वो मंथली सैलरी लेके अंजना माता को देने जाते हैं? माता जी इस बार का पैकेज है ना? तो ये एक बहुत सुंदर बात, मैं आपको थोड़ा सा उसको सूक्ष्मता से समझिए। कई भक्तों का ऐसा भी भाव है, देखिए मैं देखा हूँ अनेक भक्तों से, वो डोनेशन देते हैं ना, कई लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। प्रभु जी रिसीट नहीं दिया, रिसीट नहीं दिया, प्रभु जी मिला नहीं, अभी तक रिसीट नहीं जा, 80 जी रिसीट चाहिए। भाई ठीक है, आपने सेवा की, हमारा धर्म है, अकाउंट ऑफिस से आपको हम रसीद देंगे, ये ईमानदारी से हमारा भी संबंध बना रहता है। और कई भक्त डोनेशन देते हैं, उनको कुछ भी चाहिए नहीं, ना आवश्यक नहीं कि उनका नाम अनाउंस हो, और आवश्यक नहीं कि रिसीट भी चाहिए। वो किस लिए? कि उस भक्त का जिसको दिया उनके प्रति विश्वास है कि इसका मिसयूज नहीं करेंगे, मंदिर में जिस उद्देश्य के लिए दिया गया वो सेवा करेंगे। ऐसा जीवन में प्रचार में कई भक्तों कई लोगों को हमने देखा है, ऐसे 80 जी रिसीट भी नहीं चाहिए। हमने पूछा था एक भक्त को, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जब हमने भगवान की सेवा के लिए दे दिया 80 जी रिसिप्ट किस लिए चाहिए थे? उससे तो टैक्स एग्जम्पशन होता है ना, हाँ टैक्स बेनिफिट होता है ना, फिर हम लोग फिर और देने का मतलब क्या हुआ? ये बड़ा ऊंचा भाव है, समझ रहे ना? इसलिए यहाँ कहते हैं जैसे इस प्रकार का भाव है। और कोई कुछ लोग कहते हैं देखो, और एक भाव कितना सुंदर भाव आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एक भक्त कह रहे थे प्रभु जी आपको सेवा हो तो बताइए, हम मंदिर में सेवा कर लेंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। फिर कोई कहेगा कि आपका शरीर और संसार और घर परिवार, उसके लिए हम कुछ अपना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, मतलब प्रोफेशन को सर्विस के साथ नहीं मिलाएंगे। कितना ऊंचा भाव है, मेरा प्रोफेशन है कुछ, मेरा अपना जो भी मुझे जो भी आता है स्किल्स या जो भी जिसके वजह से मेरा वो मेरा आमदनी से होता है या मैं इस तरह से करता हूँ, लेकिन मंदिर में सेवा करना है, देख रहे ना, चेतना में ये अंतर होता है। कोई दे दिए कुछ, महाप्रसाद दे दिए, कुछ भी दे दिए तो उससे संतुष्ट, ये बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस है सेवा का। तो नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना रहता है, वो मुक्त समझा जाता है। फटाफट इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सख्य भक्ति, देखिए सख्य भक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहली वो जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वो जिसमें भगवान को शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। अंडरलाइन कीजिए, दो प्रकार के सख्य हैं। एक है इसको संस्कृत में कैसे कहते हैं, कहते हैं विश्वास एवं मित्र वृत्ति भेद से सख्य दो प्रकार का होता है। दास्य की तरह यहां भी सख्य दो मत है। अन्य मत विश्वास को सख्य कहते हैं, और अपने मत में इतना टाइम बंधु मात्र कहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी का अच्छा लिखा है, विश्वास पात्र दास की तरह कर्म करते हैं। दूसरा है कि भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाता है। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वो विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनता है। मतलब देखिए ये कह रहे हैं कि एक
एक प्रकार के सख्य तो है कि जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास है और भक्ति के विधि विधानों को पालन करते हैं, और दूसरे प्रकार के जो सख्य हैं वो भगवान के वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। गीता में कहते हैं ना, जो मेरा प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। यह इदम परमम गुह्यम मदभक्तेषु अभिधास्यति, है ना। जो व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वो कृष्ण को इतना प्रिय होता है मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं होती। और महाभारत का उदाहरण दिया जाता है, देखिए महाभारत का उदाहरण देखे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, द्रौपदी भगवान को सखा बोलती थी, मतलब एक विश्वास, जो लिखा है ना कि विश्वास होना, विश्वास पात्र। द्रौपदी भगवान को सखा मानती थी और भगवान भी द्रौपदी को सखी बोलते थे, पर दास्य भाव है, द्रौपदी का दास्य भाव है, ये प्रभु है, ये गोविंद है, मेरे स्वामी है, मतलब मेरे ईश्वर हैं, दास्य भाव के साथ, पर साख्य भाव बहुत है। इसलिए महाभारत में द्रौपदी कहते हैं, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण करने लगती हूँ। ये महाभारत से लिखा है, मतलब द्रौपदी को दृढ़ विश्वास था, मेरे किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन परिस्थिति में मेरे सखा है, ये विश्वास। द्रौपदी का भाव सख्य भाव और अवश्य श्रीदाम सुबल मधुमंगल का सख्य भाव में अंतर है, वो बहुत ही ऊंचा स्तर है, पर इतना है कि विश्वास के साथ उनके प्रति समर्पण। तात्पर्य है कि द्रौपदी तथा उसके 500 पतियों के उनके चचेरे भाई दुर्योधन अन्य लोगों ने घर घोर कष्ट दिया। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म देव तक उन कष्टों को स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि 500 पांडव धर्मात्माएं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी स्वरूपा, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं तो भी उन इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। कोई द्रौपदी की तरह कोई भी पुरुष या स्त्री भगवान को अपना सखा मान सकते हैं साख्य भाव में। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिसमें हबि ऋषभ के पुत्र महाराज निमि को कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है, इससे बढ़कर दूसरा पूज्य वांछनीय कुछ नहीं। कहने का अर्थ है भक्तों, सख्य भाव में अटूट विश्वास रहता है अपने सखा के प्रति, दृढ़ विश्वास होता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है वो निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो यह आश्वस्त स्थिति उसको भक्ति का गुह्य अंग बना जाती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में सो जाता है, लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता और फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति से अंतर्गत होता है। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि किसी भी भक्त को ये अलाव नहीं है, अनुमति नहीं है कि अल्टर के अंदर जाके सो जाए। भगवान के गर्भगृह मंदिर में जहाँ सेवा करते हैं ना, मंदिर में जाके सोना नहीं, ये विधि मार्ग है, पर राग भक्ति में कर सकते हैं। कोई अगर रागानुगा भक्ति है, भगवान के प्रति सख्य भाव है और ठाकुर जी को सुलाया
और वो कह वो सोचते हैं कि जैसे हम एक सखा के पास सोते हैं तो वो भी सो जाते हैं, लेट जाते हैं, यही कहा गया है। सख्य भाव के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं विराम देता हूँ, आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। पूज्य महाराज श्री इसको कहते हैं, अब इससे आपको समझ में आएगा सख्य भाव कैसे होता है। महाराज जी कहते हैं कि इसी वृंदावन में एक मंदिर है रसिक बिहारी। कहाँ है रसिक बिहारी मंदिर? अरे हाँ, किसने देखा ही नहीं अब तक। चलिए बता देता हूँ, आज से कभी भी जाएंगे तो जरूर देखिए। अब यहाँ से विद्यापीठ से और आ गए और आगे गए, जैसे बनखंडी महादेव, बनखंडी महादेव से लेफ्ट गए, वो बांके बिहारी का गली है। तो बांके बिहारी के गली में जाएंगे तो खंडेलवाल पुस्तक भंडार आता है ना, उससे पहले एक मंदिर है श्री श्री रसिक बिहारी। हाँ, रसिक बिहारी। तो वहाँ की लीला है, घटना है, आज से ज़्यादा नहीं, कोई 70-80 साल पहले की। वहाँ एक पुजारी थे जो ठाकुर जी को सख्य भाव में सेवा करते थे। तो एक दिन की बात है, वो ठाकुर जी को ऐसे पगड़ी पहना रहे थे, श्रृंगार करते समय पगड़ी पहनाते ना, ठाकुर जी को ऐसे श्रृंगार करते समय पगड़ी पहना रहे, और जैसे ही वो पगड़ी पहनाते हैं और तुरंत वो पगड़ी जो है वो खुल जाता है। हम लोगों को भी अनुभव है, हमने भी जो ठाकुर जी को श्रृंगार किए हैं, कई बार ऐसे पगड़ी बांधते हैं और ऐसे गांठ मारते हैं और खुल ना जाए इसलिए गांठ देके पिन भी लगाते हैं, और पिन लगाते समय बड़े ध्यान से लगाते हैं कहीं हाँ चुभ ना जाए, बड़े सतर्क से लगाते हैं। तो ये पुजारी जो थे वो पगड़ी बांधते थे और जैसे ही वो नीचे उतरते थे पगड़ी खुल जाता था अपने आप। ऐसा कितनी बार हुआ, अब दर्शनार्थी का समय हो गया, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और भोग लगाना भी है, तो बस इससे सहन नहीं हुआ और तुरंत उसने बोल दिया कि ये अंतिम बार बोल रहा हूँ, सुन लो कान खोल के, ठीक है, इस बार पगड़ी बांधूंगा, अगर तुमने सिर हिलाया तब तुम अपना श्रृंगार देखो और भोग देखो, मैं तो चला। अरे एक घंटा लग गया, जब भी पगड़ी बांधता हूँ टिकता नहीं है, खोल देता है, सुन रहे हो, ऐसा बोला वो। और जैसे ही पगड़ी बांधा कृष्ण के सिर के ऊपर एकदम फिट हो गया, अब खुला नहीं, एकदम खुले नहीं। और इस बार जब उसने बांधा तो बिल्कुल श्याम सुंदर के रसिक बिहारी जी के सिर पे फिट हो गया, एकदम सेट हो गया, अब बंधा नहीं। ये कौन कर सकता है, जिसका वैधि भक्ति से ऊपर उठकर राग भक्ति में जो हैं और रात दिन उसको कृष्ण सख्य भाव में ही उनको संबंध है, तो वही कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकते। और तो और मोर पंख कर रहे थे, मोर पंख भी एक बार लग गया, मोर पंख गर्मी का दिन था, मोर पंख व्यजन सेवा कर रहे थे, ऐसे करते करते गर्मी का दिन था तो पुजारी को नींद आ गया, थोड़ा सा आंख लग गई, तो ऐसे मोर पंख ऐसे व्यजन करते 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 थोड़ा सा ठाकुर जी को भी लग गया, ऐसे उनके मुंह में लग गया, तो एक तमाचा लगा, इसका नींद खुल गया एकदम, कौन मारा, कौन मुझे, कौन मारा, तो देखा तो कोई नहीं है।